पुलिस जीप पेट्रोल थीफ। रामचंद्रपुर के गांव में जोशी कहकर एक चोर रहता था। एक दिन वो बाइक चोरी करके जा रहा था तो उनको पुलिस ने रोका। तब जोशी से ऐसे, हेलो मिस्टर, गाड़ी का कागजात सब बाहर निकालो, चेक करना है। क्यों सर, नया नया ट्रांसफर होकर आए हो लग रहा है, किसका गाड़ी को रोक रहे हैं पता है आपको? होम मिनिस्टर मेरा क्लोज फ्रेंड है, एक फोन करूंगा तो आप और कहीं उड़ जाएंगे। ऐसा है क्या होम मिनिस्टर के दोस्त साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एक बार उनको फोन कीजिए, आपको रोकने के लिए उनको सॉरी कहता हूँ। क्यों सर, जोक लग रहा है ना आपको, सच में कॉल करता हूँ तब आप बुक हो जाते हैं, सोचिए। अबे वही चोर कहीं का, तुम्हारा नाम जोशी है और तुम जो गाड़ी चला रहे हो ना वो हमारा कॉन्स्टेबल का है, कहकर सब पुलिस मिलकर उनको खूब पीटे। अगले दिन जोशी से ऐसे, क्यों होम मिनिस्टर के दोस्त साहब, आपको जमानत देने के लिए तो कोई भी नहीं आए। हाँ, चोर के लिए कौन आएगा, कह रहा था। तब उधर जोशी का दोस्त विजय आया। तब ऐसे से विजय, नमस्ते सर। सर, इस चोर का दोस्त कहने के लिए मुझे बहुत शर्म लग रहा है, बचपन से मिलकर पढ़े थे, यही इसका आखिरी गलती है कहकर उसे छोड़ दीजिए सर, अगले बार ऐसा नहीं करेगा, एड़ा कहीं का। देखिए एड़े का दोस्त साहब, यही इसका लास्ट चांस है, इसके पास इसका बाइक छोड़कर आखिर में तुम्हारा बाइक भी रहने से भी इसे अंदर कर देता हूँ, लेके जाओ। ठीक है सर, मैं इसे समझाता हूँ, थैंक यू सर, कहकर जोशी को लेकर उधर से चला गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद विजय से जोशी, क्यों रे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ही एड़ा कहता है, जीने के लिए चोरी के अलावा और कोई अच्छा रास्ता नहीं है कहने वाला तुम्हारा गुरु को ही गाली देते हो। सुनो, तुम केवल मुझे सलाह देता था, गुरु मत कहना, अब तक मैं 55 चोरियां किया था, सब सक्सेस हो गए थे, लेकिन तुम हर चोरी में पकड़े जाते हो, अगले बार अगर चोरी करके पकड़ा गया तो छुड़ाने के लिए मैं नहीं आता हूँ, सोच लो। ठीक है, रोना मत, इस बार अच्छे से कोशिश करता हूँ। एक बात बताओ, अब के अब मुझे छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से मिले? वो ऐसा है कि मैं एक नया तरीके से चोरी कर रहा हूँ, बाइक्स में से पेट्रोल चुरा रहा हूँ। अरे बाइक्स और कार्स को छोड़कर ये सस्ता पेट्रोल का चोरी क्यों कर रहे हो? क्या पेट्रोल को सस्ता कहते हो? अब पेट्रोल का दाम कितना है पता है? शॉक हो जाओगे, ऊपर से ये फुल सेफ है, पेट्रोल गया तो बाइक का ओनर हमारे लिए ढूंढते हैं, वही बाइक गया तो पुलिस हमारे लिए ढूंढते हैं। अगर हर रोज ऐसे 20 लीटर का चोरी किया तो 2 दिन के लिए हमारा गाड़ी चलेगा। अरे विजय, तुम साधारण आदमी नहीं हो, ये आइडिया अब तक मुझे नहीं आया, देखते रहना, अब से मैं दिखाता हूँ मेरा जोश। बाद में जोशी और विजय मिलकर पेट्रोल का चोरी करके जिंदगी में मजे ले रहे थे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जोशी से विजय, भैया ये क्या है भैया, ये आइडिया देने के बाद भी तुम मेरे साथ मिलकर चोरी कर रहे हो, मेरे मेहनत से तुम एंजॉय कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा चोरी तुम खुद कर सकते हो ना? नहीं रे, एक अच्छा सा मुहूर्त के लिए देख रहा था, आज रात का मुहूर्त अच्छा है कहकर सुना, एक बढ़िया चोरी का प्लान किया। ऑल द बेस्ट जोशी भैया, वो प्लेस कहाँ है बताओ, मैं भी आता हूँ। आहा, तुमसे कह दूंगा समझे हो क्या, मुझसे भी पहले जाकर चोरी करने के लिए सोच रहे हो क्या? तब विजय मन में, अरे ये नमूना क्या प्लान किया होगा और कहां मुझे फंसाएगा, इसे तो मैं फॉलो करके देखता हूँ, सोचा। उस रात जोशी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस का जीप में से डीजल को चुरा रहा था। वो देखकर जोशी से विजय, अरे वो एड़ा कहीं का, ये क्या कर रहे हो, ये तो पुलिस स्टेशन है, उनका डीजल चुरा रहे हो, अगर पकड़े गए तो हड्डी फसली कर देते हैं। अरे वो बेशरम कहीं का, मुझे फॉलो करते हो, चोर कहीं का, देखो तुम बाइक में से लीटर्स लीटर्स पेट्रोल को चुराते हो ना, वो मुझे सेट नहीं होगा, और एक बात ये है कि पुलिस को पेट्रोल और डीजल मुफ्त में आते हैं पता है, इसलिए इनका डीजल चुरा कर लॉरी वालों को बेचता हूँ, फुल पैसे ही पैसे। बाप रे, तुम मुझे जरूर फंसा कर मरवाओगे, मैं तो इधर से निकलता हूँ एड़ा कहीं का, कहकर उधर से जा रहा था। तब पुलिस उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे और जेल के अंदर डाल दिए। अब जेल में जोशी से विजय,
अरे वो दरिंदर कही का, मुझे भी मार खाना पड़ा है तुम्हारे वजह से। अब मुझे तुम्हारे बारे में समझ में आया है, तुम दरिंदर के ब्रांड एम्बेसडर हो कमीने, कहकर पछताया। गरीब बाप पंचर वाला। बिहार में भिकू नाम का एक पंचर वाला रहता था। वो बहुत भोला था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था किट्टू। एक दिन भिकू के पास मुन्ना नाम का व्यक्ति आया। क्यों भाई भिकू राम, कैसे हो? तुम्हारा बेटा किट्टू क्या कर रहा है? अरे तुम उसे कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे हो? अरे उसका पढ़ाई बंद करा के अपने पास काम पर लगा लो, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी, तुम चार पैसे और कमा लोगे। वैसे भी तुम अब बूढ़े हो चले हो, और कितने पंचर लगा कर गुजारा करोगे? ऐसी बात नहीं है मुन्ना भाई, वो बड़ी बड़ी पढ़ाई करेगा और सरकारी नौकरी करना चाहता है। ऐसे में अगर मैंने इसे काम पर लगा दिया तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी ना, इसीलिए मैं उसे पढ़ने दे रहा हूँ। अरे आजकल कौन से बच्चे पढ़ते हैं, सब कॉलेज जाते हैं और लड़कियां छेड़ते रहते हैं। और रही बात सरकारी नौकरी की, अरे वो तो किस्मत वालों को ही मिलती है। कल मुझे 1000 साइकिलों का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, यहाँ पास ही में साइकिल रेस का मुकाबला होने वाला है। अब तुम तो जानते ही हो कि जहाँ साइकिल रेस हो वहाँ साइकिल पंक्चर तो होंगे ही, इसीलिए साइकिल रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट मैं ले रहा हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे पास ही लाऊंगा, अब तुम्हें ही पंक्चर डालने होंगे। अब मेरा साइकिल पंक्चर हो गया, जरा देखना इसे। तब भिकू राम ने मुन्ना के साइकिल का पंक्चर लगाया और उसे दिया। अपने जेब से पैसे निकालते हुए मुन्ना, क्यों भिकू राम कितने पैसे हुए? 10 रुपए मुन्ना भैया। तब मुन्ना अपने जेब से 500 का नोट निकालते हुए, अरे यार मेरे पास सब 500 के ही नोट हैं। अरे कोई बात नहीं, अब मैं जब साइकिल कॉन्ट्रैक्ट के साथ तुम्हारे पास आऊंगा तब तुम्हारे पैसे दे दूंगा, कहकर वहां से चला गया। किट्टू तभी वहां आया, उसने ये देखा और, ये क्या बापू? वो मुन्ना आता है और कहानी सुनाकर अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है और आप उससे पैसे भी नहीं लेते। अरे देगा बेटा, जाएगा कहाँ? अरे वो अपने जान पहचान का ही है ना बेटा। अरे तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है बापू। मैंने जो SI का एग्जाम लिखा था उसमें मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। अब कुछ ही दिनों में मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ बापू। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है अब। अरे बापू इतने दिन घर के लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया है, काफी है, अब तुम ये पंचर लगाना छोड़ दो, मैं तुम्हारा बढ़िया ख्याल रखूंगा बापू। नहीं बेटा, मैं भी कुछ काम करूंगा, तुम मेरा भी मन लगा रहेगा, अब जब तक शरीर में ताकत है काम करता रहता हूँ बेटा, कहकर अपना काम करने लगा। मुन्ना को पता चला कि भिकू राम का बेटा SI बना है, तब एक दिन वो आया। अरे भाई भिकू राम, सुना है कि तुम्हारा बेटा SI बन गया है, मेरी एक मदद कर दो। अपने बेटे से कहकर अपने इलाके में आधी रात तक जुए का अड्डा चलता रहे ऐसा प्रबंध कराओ। अरे तुम्हारे बेटे से परमिशन दिला दो, साथ साथ दारू की दुकान भी 12 बजे तक खुले रहे ऐसा परमिशन दिला दो। अब ये परमिशन दिलाने के लिए तुम्हें मैं 1,00,000 रुपए दिलाऊंगा। क्या, एक परमिशन के लिए 1,00,000 रुपए? कहकर हैरान हुआ। अरे 1,00,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है, हर काम के लिए अलग अलग रेट हैं। अब मैंने बताया तो तुम हैरान हो जाओगे, तुम जरा परमिशन तो दिलाओ, वैसे ये पंचर की दुकान बंद करो और परमिशन की दुकान खोल लो। अरे थोड़े बहुत पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारे घर पे पैसों की बरसात होगी। ये क्या मुन्ना भैया, बेटा SI की नौकरी लोगों की सेवा करने के लिए कर रहा है, उनकी भलाई के लिए, कहीं कोई लड़ाई ना हो और हर जगह शांति बनी रहे, ये देखना ही तो उसका काम है। अब रात के 12 बजे तक अगर दारू के दुकान खुले रहें और जुए के अड्डे चलते रहें तो दंगे फसाद हो सकते हैं ना। हाँ हाँ जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। अरे वो भी तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा है, अब यूँ लड़ने वालों को जेल के अंदर डालेगा और दोनों से पैसे कमाएगा। अब तुम जैसे भोले लोग ये सब क्या जान, तुम मुझे अपने बेटे के पास ले जाओ, मैं तुम्हारे बेटे के तरफ से ये सब सेटलमेंट के पैसे वगैरह कमा कर तुम्हें दूंगा। अरे उसके पास हम क्यों जाएं भैया, वो देखो वो खुद ही आ रहा है। तभी किट्टू SI का वर्दी पहनकर बुलेट चलाता हुआ डर करके आ गया। क्यों बापू, ये मुन्ना फिर से तुम्हें बहका रहा है? हाँ बेटा, कहता है
कि लोगों के और तुम्हारे बीच में ये दलाल बनकर कुछ सेटलमेंट कराएगा और उसके लिए पैसे लेगा। कहता है वो पैसे कमा कर तुम्हें देगा। वो मेरे पीछे पड़ गया है बेटा। क्यों रे मुन्ना, साइकिल पंक्चर के तो पैसे तुम दे नहीं सकते और तुम सेटलमेंट कराओगे? तुम ईमानदार ऑफिसर को रिश्वत देते हो, कहकर उसे पकड़ कर खूब मारा। अरे माफ कर दो किट्टू साहब, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, कहकर मिन्नतें करते हुए वहां से भाग गया।